2024 में बहुत ही बड़ी एंड एक्साइटिंग मूवीज रिलीज हो रही है जिनकी हाइप लिटरली अनइमेजिनरी है, और उन्हीं मूवीज में से एक नाम निकल कर आता है पावर स्टार पवन कल्याण की ओजी। इस मूवी को वही डायरेक्टर डायरेक्ट कर रहे हैं जिन्होंने साहू मूवी को डायरेक्ट करा था। इंडिया का नंबर वन पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास और इंडिया की मोस्ट एक्सपेंसिव मूवी साहू को डायरेक्टर सुजीत ने उस टाइम पर डायरेक्ट करा था जिस टाइम पर कोई भी बड़ा डायरेक्टर इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता था, एंड इंडियन ऑडियंस उस टाइम पर उस मूवी से उतने ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाई थी। बट आज के टाइम पर अगर साहू मूवी रिलीज होती तो डेफिनेटली जो रिकॉर्ड थे वो काफी ज्यादा टूटने वाले थे। उस टाइम पर भी टूटे थे लेकिन आज के टाइम पे डेफिनेटली वो मूवी 500 करोड़ प्लस जाती। बट इस टाइम डायरेक्टर सुजीत को इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है कि वो मूवी को यहाँ से यहाँ ले जाने का पावर रखते हैं। जैसा कि हमने ओजी के क्लिप्स में देखा है अंग्री चीता, उसके अंदर का जो विजुअल्स है, जो शॉट्स है, पावर स्टार पवन कल्याण को जिस तरह से उन्होंने प्रेजेंट करा, जो स्वैग मूवमेंट होते हैं, जो एटीट्यूड होता है, जो स्लो मोशन होता है, एंड बीजीएम स्कॉट थमन का लिटरली गूज़बम्प्स सीन उसके अंदर हम सभी को देखने को मिलते हैं। अगर कोई नॉन पवन कल्याण फैन भी उस ग्लिम्स को देखेगा तो लिटरली जो एनर्जी मिलेगी उनको देखते वक्त, इससे हमको पता चलता है कि जो ओजी मूवी होने वाली है उसका जो लेवल है वो कितना ज्यादा हाई होने वाला है। देखो इसके अंदर की स्टोरी आई डोंट नो कैसी होगी, किस तरह की होगी, इसके अंदर की स्टोरी कैसी भी हो, लेकिन मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ सुजीत का डायरेक्शन के लिए और पावर स्टार पवन कल्याण की प्रेजेंस के लिए। क्योंकि यार देखो स्टोरी कहीं पर भी जाए बट जो इसके अंदर सीन्स हम सभी को देखने को मिलने वाले हैं, जो लार्जर देन लाइफ जो सीन्स इसके अंदर होने वाले, जो स्लो मोशन होने वाले, जो स्वैग वाले मूवमेंट इसके अंदर हम सभी को देखने को मिलने वाले हैं, लिटरली वो थिएटर में आग लगाने वाले। टॉलीवुड मूवी आजकल हर कोई देख रहा है, पैन इंडिया लेवल पर टॉलीवुड मूवी देखी जा रही है, और पवन कल्याण के पास आज के टाइम पर बिग अपॉर्चुनिटी है कि वो पैन इंडिया लेवल पर अपने जो फैन फॉलोइंग है उसको काफी ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं। जो प्रभास का स्टारडम है पैन इंडिया लेवल पर उस लेवल को वो मैच कर सकते हैं अगर उनकी मूवी हिट हो जाती है या फिर सभी को पसंद आती है। डेफिनेटली मूवी अब देखो जब रिलीज होगी तभी हम सभी को पता चलेगा, और मेकर्स ने जो इसकी जो रिलीज डेट है ऑफिशियल वाली उसको भी अनाउंस कर दिया है। जैसा कि ये मूवी जो है 27 सितंबर को रिलीज होने वाली है, ये मेकर्स ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। एंड आई एम 100% श्योर कि अब कोई भी मूवी यहाँ पर क्लैश नहीं करना चाहेगी। अगर हिंदी में भी अगर कोई मूवी अगर क्लैश करती है या फिर कहीं पर भी मूवी क्लैश करती है तो डेफिनेटली देखो काफी ज्यादा यहाँ पर नुकसान होने वाला है सामने वाली मूवी को। बिकॉज देखो जो ये ओजी मूवी है ये कोई नॉर्मल मूवी नहीं है, इसे नॉर्मल समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना। बिकॉज ये एक इवेंट फिल्म है जिसका बजट 200 करोड़ का है, एंड डेफिनेटली जब ये रिलीज होगी तो जो क्रेजी सीन होगा थिएटर्स के अंदर वो मैं अभी से प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, आप भी अभी से प्रेडिक्ट कर सकते हो। जो स्वैग होगा पवन कल्याण का, थमन का म्यूजिक, सुजीत का डायरेक्शन, क्रेजी। अगर आपने ओजी का ग्लिम्स देखा होगा तो उसके अंदर आपने एक चीज नोटिस करी होगी और वो ये है कि जो पावर स्टार पवन कल्याण है वो उसके अंदर मराठी डायलॉग्स बोल रहे हैं, और उसे देखते हुए जो गूज़बम्प्स आ रहे हैं, लाइक आई एम मराठी तो मैं उसे रिलेट कर सकता हूँ, और उसे देखते हुए जो गूज़बम्प्स आ रहे हैं लिटरली वो अनइमेजिनरी, मतलब लग रहा है कि हाँ जो मूवी है उसको जो डायरेक्टर सुजीत है वो पैन इंडिया लेवल की ऑडियंस को देखकर बना रहे हैं। और अगर आप साहू का ग्लिम्स देखोगे और उसके बाद अगर आप ओजी का ग्लिम्स देखोगे तो आपके अंदर जो उस एलिवेशन देखने को मिलेगा उन सीन्स के अंदर हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो बैकग्राउंड म्यूजिक हो या फिर विजुअल्स हो, वीएफएक्स हो, डायरेक्शन हो, हर चीज में जो एलिवेशन देखने को मिलेगा वो काफी ज्यादा पावरफुल देखने को मिलता है। बी रेडी फॉर ओजी, ओजी इज कमिंग ऑन 27 सितंबर, एंड ये मोस्ट हाइप मूवीज की जो सीरीज है उसकी ये पहली मूवी है। तो आपको ये कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर जरूर बताना, और बाकी सीरीज देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।